हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन ब्लॉगर में जी। आज मैं आप लोगों को मेरी चूड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ, तो वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद में ही कमेंट्स करना कि आप लोगों को मेरी चूड़ियाँ कितनी पसंद आई हैं जी। का स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन ब्लॉगर में। आप सब लोग कैसे हैं जी? आई होप सब अच्छे होंगे जी, हम भी अच्छे हैं जी। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, जो लाख के चूड़े होते हैं उनका कलेक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो जी, तो चलिए जी खोलते हमारे बैंगन बॉक्स को। ये देखो जी, ये हैं सारे लाख के चूड़े। ये मैं बताती हूँ आपको कब कब के खरीदे हुए हैं। सबसे पहले ये देखो जी, ये हैं प्लेन चूड़ियाँ और ऐसे मिक्स चूड़ियाँ हैं। ये देखो जी, ये चूड़ियाँ ऐसे हम जो भी राजपूती ड्रेस पहने या कुछ भी पहने उनके ऊपर पहन सकते हैं। उनके ऊपर प्लेन चूड़ियों में मैचिंग करके पहनती हूँ। है लाख की लेकिन लग रही है आपको शिंकी सी, लेकिन लाख की है जी ये सारी चूड़ियाँ। ये देखो कितनी खूबसूरत है, कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगती हैं जी हमारी चूड़ियाँ। हमारे राजस्थान में सिर्फ लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं जी, काफ़ी सुंदर और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है जी हमारी सारी ही चूड़ियाँ। और ये देखो जी, ये है प्लेन चूड़ियाँ। कोई भी चूड़ी जिनके नग लगे रहते हैं उनके ऊपर पहन लो एकदम से। ये प्लेन है, प्लेन भी पहन सकते हैं, जैसे मैचिंग के हिसाब से जैसे कपड़े हों उसी हिसाब से उसी कलर के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। ये देखो जी कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी चूड़ियाँ। और ये देखो जी, ये है मैरून कलर की सारी चूड़ियाँ। जो हम घाघरा और ओढ़ना पहनते हैं उनके ऊपर ज़्यादा रेड कलर ही अच्छा लगता है, तो ये भी हम मैचिंग करके ही पहनते हैं जी। वैसे प्लेन भी पहन सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये देखो जी, बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत हैं जी। कमेंट्स करके आप भी बताना आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखो जी, ये है हमारी राजपूती ड्रेस पे पहनने की, इसे सिंक की चूड़ियाँ बोलते हैं। इनमें ये जो प्लेन चूड़ियाँ दिखाई थी उनको मैचिंग करके पहन सकते हैं और वैसे नेक की चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। ये सिंक की चूड़ियाँ हैं जी, जैसलमेर से खरीदी हुई है। ये मेरी दीदी रहती थी, उसके सास ससुर रहते थे, वो वहाँ से जैसलमेर से ही लेके आई थी। ये देखो जी कितनी चमक रही हैं, लगभग हो गए हैं जी 9-10 साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। ये देखो जी कितनी सुंदर लग रही हैं, क्योंकि मैं मेरी चूड़ियों को बहुत ही संभाल के रखती हूँ जी। और ये देखो जी, ये जो कड़े हैं ये पेवर लाख के हैं जी। ये झुंझुनू के पास है जी, भीमसर गांव, उधर ही मेरा मायका है, तो वहाँ से बनाए हुए हैं, जो जिसे हम मणियार बोलते हैं। पेवर लाख के हैं जी, इनका ना तो कलर जाता है, देखो कितनी चमक रही हैं, और ना ही इनके अंदर, आजकल सभी में मेटल देते हैं वो नहीं है जी, पेवर लाख की बनी हुई है। ये मेरी मम्मी ने लाख की दी थी मुझे, काफ़ी सुंदर हैं जी। आप लोगों को पता नहीं पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कमेंट्स करके बता देना जी। और ये देखो जी, ये एकदम से गोल्डन कलर की पतली पतली चूड़ियां हैं। इन्हें भी जो प्लेन चूड़ियां होती हैं उनके अंदर हम मिक्स करके पहनते हैं। ये जी मेरी शादी की चूड़ियां हैं, झुंझुनू से खरीदी हुई हैं। बिल्कुल देखो इनके बिल्कुल भी चमक नहीं गई है, एकदम से ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं। वो दुकान ही ऐसी है जी, आप सब लोग जानते होंगे झुंझुनू से हो तो, निर्मल जी के नाम से, निर्मल के नाम से है जी। ताल में बड़ी खूबसूरत चूड़ियां हैं उनकी, काफी दिनों तक चमक नहीं जाती है जी, 11 साल हो गए ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। ये देखो काफी चूड़ियां हैं जी, एकदम से जो भी होती हैं उनको मैं संभाल के रखती हूँ। ये भी देखो जी, उधर से खरीदी हुई है। जैसे पहले ऐसी पतली पतली चूड़ियों का ज्यादा ही फैशन था, ये देखो जी जैसे एक साड़ी थी पिंक कलर की थी, पर्पल कलर की थी, उसी के अकॉर्डिंग पहनते थे जी। नई नई शादी हुई थी तब, तो अब तो ऐसे ही सब कुछ चलता है, ज़्यादा वो नहीं है जी, क्योंकि मुझे सजना और संवरना ज़्यादा ही पसंद है जी। कहीं जाते हैं तो घर पे तो ऐसे ही रहते हैं सिंपल से। इनकी चमक नहीं गई जी, ये भी झुंझुनू से ही खरीदी हुई है। देखो 11 साल क्या 12 साल होने वाली हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं गई है जी, एकदम से ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं जी बिल्कुल। ये सारी मेरी झुंझुनू से खरीदी हुई हैं। ये देखो जैसी मेरी वो होते थे ना कपड़े शादी में, जैसे सूट थे, ये देखो सूट थे साड़ी थे, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं में मैचिंग करके, एक क्रीम कलर था, वाइट पिंक साड़ियाँ थी, सूट थे उसी के अकॉर्डिंग। ये देखो जी ब्राउन कलर की सारी ऐसे ही खरीदी थी मैंने, चार चार चूड़ियाँ,
उनके अंदर जो हमारे मोटे कड़े बोलते हैं उनके अंदर मिक्स करके या दो दो भी वैसे पहन सकते थे। और ये देखो जी, ये है मेरा रेड कलर का चूड़ा। जो भी फास्ट वगैरह करते हैं या त्यौहार होता है उस पर हम रेड कलर को ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, तो ये उसी टाइम पे पहनती हुई है जी। यहाँ से चिड़ावा से खरीदा हुआ, ये देखो, ये भी प्योर लाख का है जी। कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों का पता नहीं जी, कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन यानी कि त्यौहार होता है या फास्ट होता है ना, तो हम रेड कलर का चूड़ा ही ज़्यादा पहनते हैं। ये देखो जी बंगड़ी, पिंक कलर की बंगड़ी है, ये भी हमारे मायके से ही लाई हुई है जी। मेरी मम्मी ने बना के दी थी, इनमें भी बिल्कुल भी कलर नहीं फाल्ट हुआ है, ना ही नग वगैरह। चमक देखो जी, प्योर लाख की चूड़ियाँ हैं, इनके अंदर कोई वो नहीं है जी, मेटल नहीं है। ये भी जी मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, पिछली रक्षा बंधन पे दी थी, ये देखो। और सारी चूड़ियाँ दिखाती हूँ आज मैं आपको। और ये हैं जी बंगड़ी, ये सारी बंगड़ी हैं गोल्ड कलर की, जैसे हम जो प्लेन चूड़ियाँ होती हैं उनमें मिक्स करके पहन लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से चमक आ जाती है, क्योंकि शादी वादी होती है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हाथी सुंदर लगता है जी। ये सारी आठ बंगड़ी हैं, बीच में चूड़ियाँ डालो और इनको पहन लेते हैं। ये देखो जी कितनी खूबसूरत, ये इसे चिड़ावा से खरीदी हुई है जी मेरी ये बंगड़ी। और ये हैं जी, ये देखो जी, ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में चला था जी, आप लोगों को दिख रहा होगा जी। ये देखो जी, ये मेरे नाम की चूड़ियाँ बनी हुई थी, काफ़ी चला था ट्रेंड। ये मेरे हस्बैंड जी का नाम है विकास एंड मंजू, ये देखो जी, इस पे चूड़ियों पे नाम मंडवाते थे, जो नाम होता था वो। ये देखो जी, ये मेरे नाम की चूड़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी चमक नहीं गई इनको भी, काफ़ी दिन हो गए, 4-5 साल हो गए जी, लेकिन बिल्कुल भी चमक नहीं गई, क्योंकि मैं मेरी सारी चूड़ियों को बिल्कुल संभाल के रखती हूँ जी, काफ़ी दिनों तक चलती हैं जी। और ये देखो जी, ये ऐसे ही कड़े हैं, नॉर्मल से, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, जो भी सूट पहनो उसी के अकॉर्डिंग मैचिंग करके पहन लेते हैं जी। ये देखो, ये यहीं से चिड़ावा से खरीदे हुए हैं जी बिल्कुल। और सारे दिखाती हूँ जी आज आप लोगों को। ये हैं जी पिंक कलर के, ये भी यहीं से खरीदे हुए हैं, मेरे चिड़ावा से खरीदे हुए हैं, क्योंकि मेरा ससुराल चिड़ावा में और मायका झुंझुनू में है जी। और ये देखो, ये आप लोगों को लग रहे होंगे कि कितनी चूड़ियाँ, ये एक सिंगल चूड़ी है जी, पूरा हाथ भर जाता है। ये काफ़ी महंगे तो आते हैं, लेकिन चमक नहीं गई है इनकी भी, काफ़ी दिन हो गए खरीदे हुए। और ये देखो जी, ये सारे ऐसे ही पहनते हैं जी, कभी यानी कड़े हैं जी, मिक्स करके पहन लेते हैं चूड़ियों में, या वैसे कभी बाहर जाना हो तो अपने सूट में या साड़ी में जो भी मैचिंग करे उसके हिसाब से पहन लेते हैं जी। ये देखो कितनी चमक नहीं जाती है जी, चिड़ावा की भी चूड़े बहुत ही अच्छे आते हैं, ये देखो कितने चमक रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं जी पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। और ये देखो जी, ये है जिसे हम पंजाबी चूड़ा बोलते हैं, ये देखो, ये पंजाबी चूड़ा है जी, ये सिंह का होता है, राजपूती ड्रेस पहनते हैं उसी पे पहनते हैं। ये देखो जी डब्बे में पैक है, क्योंकि ये काफी चूड़ियां होती हैं और एकदम से पतली पतली होती हैं, तो इनके थोड़ा सा टूटने इधर उधर फैलने का डर रहता है। तो ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये धागे में पिरो के रखती हूँ एकदम से, ताकि हमारी एक जगह इकट्ठी रहे, फिर इनमें सेट हो जाती है जी, ये वापिस नहीं। तो ये काफी चूड़ियां हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है कहीं जाना हो तो इसमें पिरो के धागे में पिरो के रखते हैं, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और सिंह की चूड़ियां वैसे टूटती तो है नहीं जी ये बिल्कुल भी। और ये देखो जी, ये है हमारा स्टैंड चूड़ियों का, जो भी हम डेली यूज में पहनते हैं उनको इसमें लगा के और ड्रेसिंग पे रख देते हैं जी। ये देखो जी, ये देखो जी, इसमें हम जो डेली यूज में चूड़ियाँ पहनते हैं ना, वो डाल के रख देते हैं, ताकि ये देखो ड्रेसिंग पे रख दो, कहीं भी टेबल पे कहीं भी रख दो, बिल्कुल भी गिरते नहीं है और काफ़ी चूड़ियाँ आ जाती हैं। थोड़ा सा रखा हुआ भी सुंदर लगता है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल इसके नीचे का स्टैंड आता है, इसको रख दो और बिल्कुल
खूबसूरत सी हमारी जो चीज अच्छे से दिखाई दे देती है इसमें कि कौन सी चूड़ी हमें, क्योंकि डेली यूज में जो भी कड़े चूड़ियां पहनते हैं वो इसमें रख देती हूँ और ड्रेसिंग पे पड़ा रहता है। ये देखो आराम से सुंदर भी लगता है काफी और आसानी भी रहती है जी चूड़ियां निकालने में। बिल्कुल ऐसे रख देते हैं इसको, ये देखो जी। तो ये है जी मेरी सारी चूड़ियां, आज मैंने सारे चूड़ों का कलेक्शन दिखा दिया है आपको। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। और ये बैंगन बॉक्स बताऊं आपको कब का खरीदा हुआ है, ये बैंगन बॉक्स मैं मेरी शादी में आई थी तभी लेके आई थी साथ में। ये देखो इसका कमर भी अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। ये देखो भी इतनी, मतलब कहते हैं शुआ की निशानी होती है चिड़िया, इनको देखो मैं कैसे संभाल के रखती हूँ। इसमें डाल देते हैं तो पूरा बॉक्स वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जी ऊपर से, और ऐसा का ऐसा ही रहता है। ये देखो जी कमर भी नहीं फटा है अभी तक, साल 11 हो चुके हैं जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरी चूड़ियों को बहुत ही संभाल के रखती हूँ जी। और ये जो हमारी होती है ना ये चूड़ियां सिंह की चूड़ियां, इनके ऊपर भी कमर लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल भी खराब नहीं होती, ऐसे की ऐसी ही पड़ी है जी। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है वो कैसा लगा जी, प्लीज कमेंट्स करके एक बार जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है वो कैसा लगा और मेरी चूड़ियां कैसी लगी जी। अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताना कि कौन सी चूड़ियां आप लोगों को पसंद आई है जी। बस यही करते हैं अपने वीडियो का एंड। ऐसे ही मैं बैठी थी, गर्मी देखो भी बैठे बैठे सारी चूड़ियां इधर उधर फैली हुई थी, तो मैं ऐसे इनको सेट कर रही थी अलमारी को, जो काठ वाली अलमारी होती है उसमें रखी हुई थी ये। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मेरी सारी चूड़ियां हैं ये भी अच्छे से सेट हो जाएंगी और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हमारी जो चूड़ियां राजस्थान में कैसी चूड़ियां पहनते हैं जी। राजस्थान में कुछ ज्यादा ही है जी लाख की चूड़ियों का, क्योंकि पहले कांच की चूड़ियों का फैशन था, कांच की चूड़ियों का फैशन गया जी, अभी लाख की चूड़ियों का ही आ रहा है और हम तो लाख की चूड़ियां ही पहनते हैं। बस ये पंजाबी चूड़ा है, ये तो ऐसे ही लेके आ गई, कभी राजपूती ड्रेस पहनते हैं उनमें पहन लेते हैं, वैसे नहीं पहनते हैं जी हम, क्योंकि ज्यादा हम तो लाख की चूड़िया ही पहनते हैं, सुहाग की निशानी तो लाख की चूड़िया ही होती है जी, कहते हैं ना कि अपना सुहाग है तो सब कुछ है जी। बस वही तो जीने का मकसद है, जीने का आधार है जी। और मेरी चूड़िया कैसी लगी वो कमेंट्स करके जरूर बताना। यही करती हूँ मेरे वीडियो का एंड, बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी, राम राम जी।